सीहोर जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला मुख्यालय पर कोरोना पॉजिटिव महिला के मिलने पर सनसनी फैल गई और पूरा स्वास्थ्य अमला महिला के घर पहुंच गया। जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला मुख्यालय पर कोरोना पॉजिटिव महिला के मिलने से सनसनी फैल गई है। पूरा स्वास्थ्य अमला महिला के घर पहुंच गया। महिला बुधवार से भोपाल हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भोपाल में आई है, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है और पूरा सील कर दिया गया है। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि इंद्रनगर निवासी भगवती बाई पत्नी हेमराज सिंह को सांस में तकलीफ होने पर बुधवार को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए थे। महिला की हालत गंभीर होने को लेकर सीहोर से भोपाल हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। भोपाल हमीदिया अस्पताल में 40 वर्षीय महिला भगवती बाई की कोरोना की जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार सुबह पॉजिटिव आई है। मामले में कलेक्टर श्री गुप्ता कहना है कि महिला की हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। सीहोर अभी तक ग्रीन जोन में था, लेकिन अब एक मरीज मिल गया है। महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इससे सांस लेने में तकलीफ थी, किडनी में परेशानी थी। देखिए, इस महिला की आप बात कर रहे हैं, भगवती बाई, रेजिडेंट ऑफ इंदिरानगर कॉलोनी। वो अपना इलाज कराने के लिए, हार्ट पेशेंट भी थी और रीनल फेलियर भी था उसकी किडनीज का, वो हमीदिया में एडमिट हुई है। और हमीदिया में वहाँ पे जो उनके हेल्थ के प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल से उनका टेस्ट कराया गया होगा, जो कि आज पॉजिटिव कन्फर्मेशन में आया है। डेथ का कन्फर्मेशन जो आप बोल रहे हैं, वो अभी ऑफिशियल चैनल से हम लोग के पास नहीं आ पाया, पर जो जहाँ की वो रेजिडेंट हैं, उस रेजिडेंशियल एरिया को एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और जो हेल्थ विभाग के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर के हिसाब से कंटेनमेंट एरियाज के जो भी मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे।